मल्टीप्लाई विथ 10, 100, 1000 और एनी अदर 1000 लाइक दिस वे, बट लेकिन यहाँ पे कोई और नंबर ना हो जैसे 20, 30 वगैरह नहीं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 3.51 टाइम्स बाय 10, इसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट हो जाएगा, ठीक है, ये यानी कि डेसिमल है। इस साइड पे यूनिट्स होते हैं, ये टेंस है और हंड्रेड्स, अपनी मर्जी जहाँ तक मर्जी कर सकते हैं। और डेसिमल के इस साइड पे यूनिट नहीं होता, हमेशा टेंस एंड देन हंड्रेड्स, ठीक है। अब हम इसमें एक कॉलम के जैसे ईजी के लिए इसके लाइनें लगा लेते हैं ताकि हमें ईजिली पता चल जाएगा। ये हो गया, अब मेरे पास क्वेश्चन 3 पॉइंट। अब आपने हमेशा देखना कि ये डेसिमल है, तो डेसिमल की जगह पे डेसिमल आएगा और 3 इधर आ जाएगा और 5, 1 इस तरह, ठीक है। 3.51 पहले पुट किया, अब 10 है इसमें, तो आपने देखना है, तो आपने इस साइड पे मूव करेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यानी कि यहाँ पर ये लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, 5 जो है वो इधर आ जाएगा, इसलिए इसको 5 इधर आ जाएगा इसकी पोजिशन पर, और डेसीमल था इसलिए डेसीमल यहाँ पर लगाएंगे, और ये जो 1 है इसको इसकी पोजीशन पे लगा देंगे। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है 3.51। अब जैसे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है 4.9 टाइम्स बाय 100 है, तो इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, यूनिट टेंस और हंड्रेड ऐसे लिख लेते हैं, इधर भी टेंस हंड्रेड्स। अब ये डेसिमल इधर लगा दिया, 4 इधर है और 9 इधर, 4.9 है। अब देखें आपके पास 20 है, अब 2 नंबर्स को मूव करेंगे, ठीक है, यानी कि इस नंबर को आपने 2 पोजीशन पे लेके जाना है। ये हो गया 1 पोजीशन और ये हो गया 2 पोजीशन, यानी कि 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 9 है, आप इसको, और हमेशा कोई गैप नहीं देते, अब ये 9 है, अब ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया 9। और हमें इसे सोल्व करना है अप टू डेसिमल तक, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इधर आप 0 लगा लेंगे, ठीक है, तो इस तरह आपका आंसर आ जाता है 4, 9, 0। और डेसिमल के यहाँ पे लिखा हुआ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, इस वजह से आपको ये आंसर बन जाता है 490।